जिथे सध्या मोठा गदारोळ सुरू आहे. के कल्याण के लिए प्रावधान करने के जो राज्य के अधिकार हैं उसका सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल करने के लिए संविधान के जब पिछले बार 102वां संशोधन हुआ उस 102वें संशोधन में राज्यों के अधिकार को जो है ना वो हटा दिया गया था. वो सभी राज्यों द्वारा इस बात के लिए उठाया जा रहा था. आज हमारे सम्माननीय साथीगण यहां पर जब हम देख रहे थे कि अन्य विषयों को लेकर बहुत सारी विसंगतियां थीं, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ओबीसी के इस संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में एक तरह से सभी ने अपने आपके अनुरोध पर सहमति जताते हुए और बात रखने का अवसर प्रदान किया. ओबीसी समुदाय की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता सारे देश के सामने स्पष्ट है. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. जो पिछले दिनों ओबीसी के कल्याण के लिए जो निर्णय लिए गए उसके कारण से ओबीसी के समुदाय में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है. ओबीसी की जो केंद्रीय सूची का दर्जा बढ़ाकर सूची को संवैधानिक दर्जा देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया, इस ओबीसी की केंद्रीय सूची में परिवर्तन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान की गई. संविधान संशोधन अधिनियम 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया. इसके साथ ही साथ एनसीबीसी को ओबीसी के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में भी शिकायतों की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई. अभी पिछले दिनों जो निर्णय हुआ जिसमें मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, इसके अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण प्रदान किया गया और इससे प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी के छात्रों को लगभग 4,000 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी. संविधान का 105वां संशोधन विधेयक 2021 को प्रस्तुत करने के लिए आज का अनुमोदन इन्हीं प्रयासों के क्रम में है. यह संशोधन ओबीसी की अपनी राज्य सूची को बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों को शक्ति बहाल करने के लिए संशोधन आवश्यक है, जिसे संविधान 102वां संशोधन अधिनियम की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा हटा दिया गया था. यह संविधान कई महत्वपूर्ण कारणों से महत्वपूर्ण है. यदि राज्य की सूची को समाप्त कर दिया जाता तो लगभग 671 ओबीसी समुदाय जो राज्य सूची में शामिल हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों और नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. इससे कुल ओबीसी समुदायों के लगभग 1/5 हिस्से यानी कि 1/5 भाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता. सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कल्याण के प्रावधान करने के लिए राज्य के अधिकार का सम्मान करने वाले संघीय ढांचे को बहाल किया जा सकेगा. संविधान 102 संशोधन अधिनियम पारित करते समय सरकार ने सदन के पटल पर स्पष्ट किया था कि यह संशोधन राज्य सूचियों को बनाए रखने की राज्य की शक्तियों को समाप्त नहीं करेगा. यह संशोधन सुनिश्चित करेगा कि इस विधायी मंशा की व्याख्या करने में कोई अस्पष्टता नहीं है. यह संशोधन राज्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को राज्य अथवा क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से है उसके पर कार्रवाई करने का अवसर प्रदान करेगा. संविधान 105वां संशोधन विधेयक अनुच्छेद 342A खंड 1 और 2 को संशोधित करेगा और राज्यों को अपनी राज्य सूची बनाए रखने के लिए विशेष रूप से अधिकृत करने वाला एक नया खंड 342A3 प्रस्तुत करेगा. इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 366, 26C और 338B 9 में एक परिणामी संशोधन होगा. संशोधन में जो निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव है संविधान में, इसमें अनुच्छेद 342A के खंड 1 में केंद्रीय सूची शब्द को यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ा जाएगा कि प्रावधान केवल ओबीसी की केंद्रीय सूची के लिए ही है. अनुच्छेद 342A के खंड 2 में एक स्पष्टीकरण पैरा जोड़ा जाएगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि केंद्रीय सूची का अर्थ केंद्र सरकार के द्वारा और उसके लिए तैयार और बनाए गए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची है. इससे अस्पष्टता से बचा जा सकेगा. अनुच्छेद 342A में एक नया खंड 3 जोड़ा जाएगा जिसमें यह प्रावधान होगा कि प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कानून द्वारा
अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार कर सकता है और बनाए रख सकता है, जिससे राज्यों को राज्य संस्थानों में जो प्रविष्टियां एक सूची जो बनाएगा राज्य सरकार, उसमें जो प्रविष्टियां होगी वो केंद्र की सूची से भिन्न हो सकती हैं। इससे राज्यों को राज्य संस्थानों में प्रवेश और राज्य सरकार की नौकरियों में नियुक्तियों के लिए ओबीसी की अपनी राज्य सूची बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 366(26)(c) में संशोधन करके कहा जाएगा कि ओबीसी की केंद्रीय और राज्य सूचियां केंद्र सरकार अथवा राज्य संघ क्षेत्र जैसा भी हो मामलों के उद्देश्यों के लिए है। राज्य की ओबीसी की सूचियों पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारों को सशक्त बनाने हेतु राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ में जो अनिवार्य परामर्श की सत्र शर्त थी उस शर्त को समाप्त कर दिया जाएगा। सीबीसी मध्ये काही सुधारणा करण्याच्या दृष्टी